हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और पुनः बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष परीक्षोपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित है। और आज हम लोग भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो एवरग्रीन है, जहाँ से हर तरह के सवाल, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इनमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यह एवरग्रीन टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है और हम लोग आज इसकी चर्चा, अब इस टॉपिक की चर्चा लगातार 3-4 वीडियो में करेंगे। जैसा कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक सीरीज के तौर पर, ताकि एक टॉपिक का पूर्ण रूप विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाए और वो उस पर वर्कआउट करके अपने पर्पस को सॉल्व कर सके। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में पारित, विभिन्न अधिनियम। देखिये बच्चा लोग, इसको, इस टॉपिक को दो नाम से पूछा जाता है, या तो ब्रिटिश भारत में पारित विभिन्न अधिनियम या संवैधानिक विकास। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया का, ब्रिटिश भारत का मतलब होता है गुलाम भारत। तो गुलाम भारत की जब बात करें तो जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि भारत में गुलामी की नींव 1757 ईस्वी में पड़ गई प्लासी युद्ध के बाद, क्योंकि प्लासी युद्ध के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटेन के प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया। बंगाल प्रांत से गुलामी की नींव पड़ी और फाइनली इस भारत से अंग्रेज चले गए थे 1947 में। तो कुल 190 वर्षों का शासन काल माना जाता है जो गुलामी का काल है, इसको सामान्य अर्थ में ब्रिटिश भारत भी कहा जाता है। लेकिन इस पूरे शासन काल को दो कालखंड में बांट के देखा जाता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं। पहला जो कालखंड है इसको कहा जाता है कंपनी शासन काल, और दूसरा जो कालखंड है इसको कहा जाता है क्राउन, शासन काल। मतलब ये कि 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध के द्वारा भारत को गुलाम बनाया और 1858 में इनका शासन खत्म हो गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारी शासन के विरुद्ध भारतीयों द्वारा पहली बार व्यापक विद्रोह किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया लेकिन भारत आजाद नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी राजा या ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की सरकार के हाथों में चला गया। तो दूसरा जो कालखंड है जिसको क्राउन शासन काल कहते हैं, यह 1858 से लेकर 1947 तक का काल माना जाता है। तो पूरे ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश भारत को दो कालखंड में बांट के देखा जाता है, कंपनी शासन काल और क्राउन शासन काल, जैसे कि हम सभी देखते हैं। तो और इस कंपनी शासन काल और क्राउन शासन काल के दौरान भारत के शासन को चलाने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के संसद द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए और इन अधिनियमों के भी दो स्वभाव थे। एक्चुअली सच पूछा जाए तो ब्रिटिशर्स का जो शासन भारत में स्थापित होता है, अंग्रेजी सरकार का जो शासन स्थापित होता है भारत में, ये 1773 में स्थापित हो जाता है और 1947 तक इनका शासन चलता रहा ब्रिटेन की सरकार का। लेकिन अंतर देखिएगा दोनों में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर होगा तब तक बड़ा मुश्किल होगा। ब्रिटेन की सरकार का शासनकाल सच पूछिए तो 1773 से 1947 ईस्वी तक है। अंतर यह है कि 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक ब्रिटेन की सरकार का अप्रत्यक्ष शासन रहा भारत में। कहने का मतलब ये कि इस काल में डायरेक्टली ब्रिटेन की सरकार का भारत में शासन नहीं है, इस काल में शासन है वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटेन की एक निजी कंपनी है, लेकिन इस ब्रिटेन की निजी कंपनी को विभिन्न अधिनियमों द्वारा रेगुलेट करने का काम, नियंत्रित करने का काम ब्रिटेन की सरकार करती थी। तो ब्रिटेन की सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित कर लिया और अपने अनुसार भारत में शासन चलवाया। तो डायरेक्ट नहीं चलाया क्योंकि तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत के शासन थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसी रूप में शासन भारत में चला सकती थी जैसा कि दिशा निर्देश ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की संसद का होता था। तो निश्चित रूप से इस काल में भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का ही शासन था थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसा कि हमने पढ़ा कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो 1858 से लेकर के 1947 तक जो है यह ब्रिटेन की सरकार का प्रत्यक्ष शासन है, प्रत्यक्ष शासन है। तो दोनों काल में जो विभिन्न अधिनियम पारित किए गए दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में 1773 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक अप्रत्यक्ष शासन रहा, क्योंकि वास्तविक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था और ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने, विनियमित करने, रेगुलेट करने का काम ब्रिटेन की सरकार करती थी। और ये जिस प्रकार से कानून बना के ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी या जो दिशा निर्देश देती थी उसी के अनुकूल भारत का शासन चलता था। तो 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक भारत में ब्रिटेन की सरकार का अप्रत्यक्ष शासन था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत के शासन का संचालन करती थी और 1858 से प्रत्यक्ष रूप से भारत के शासन का संचालन करने लगी। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर टॉपिक है, जहाँ से तार्किक सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको टिप्पणी में भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है 1919 के अधिनियम के बारे में लिखिए, लंबा क्वेश्चन भी आता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है, तो पीटी पूछे, मेंस पूछे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हमारा बनेगा। तो हम लोग एक एक करके विभिन्न अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं और ब्रिटिश पीरियड में और ब्रिटिश भारत में जो विभिन्न अधिनियम पारित किए गए उन्हीं अधिनियमों के माध्यम से भारत में प्रशासन की एक वैधानिक ढांचा, लीगल स्ट्रक्चर या फॉर्मेट तैयार हुआ, जिसके आधार पर आगे चल के भारत के संविधान के भी निर्माण में बहुत सारे तत्व उन्हीं को लिए गए, उन्हीं में से लिए गए जो अधिनियम में ब्रिटिश भारत के दौरान लागू किए गए थे। इसीलिए इस टॉपिक का दूसरा नाम होता है संवैधानिक विकास। तो हम लोग ब्रिटिश भारत में पारित अर्थात 1773 से लेकर के 1947 तक जो एक्चुअली लास्ट सबसे पहला अधिनियम 1773 में आया और सबसे अंतिम अधिनियम 1935 में आया, तो 1773 से लेकर 1935 तक के जो अधिनियम थे इनको एक एक करके देखते हैं, जिनमें सबसे पहला जो हम लोग अधिनियम देखते हैं, सबसे पहला जो हम लोग अधिनियम देखते हैं वह है। तो ब्रिटिश भारत में पारित सबसे पहला अधिनियम जो था, जिसको हम लोग सबसे पहले पेज में हम लोग जो कंपनी के शासनकाल में अधिनियम पारित किए उनके बारे में देखेंगे, तो सबसे पहला अधिनियम था बच्चा लोग 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट था। और यह कंपनी के गतिविधियों को, याद रखेंगे कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित करने का,
कंपनी की गतिविधियों या कंपनी की बात जब हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने का पहला अधिनियम था या प्रथम अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को रेगुलेट किया जाने लगा। जैसे हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1665 में जो इलाहाबाद के 1764 में क्षमा करें 1764 में जो बक्सर की संधि बक्सर का युद्ध हुआ है जिसमें आपको त्रिगुट की पराजय हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी ने भारत के शासन को अपने अधिकार में लिया है। वास्तव में से तो गुलाम बना लिया था 1757 में, लेकिन 1757 में कोई भी शासन का अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया। तो पहली बार शासन का अधिकार अपने हाथ में लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर युद्ध के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इसी संधि के द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की गई, तो दीवानी प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया कंपनी ने। तो कंपनी पहली बार जो भारत में शासन का अधिकार अपने हाथ में लेती है वो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद देती है, के द्वारा लेती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मनमाना बढ़ गया। कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट थे, अपने व्यक्तिगत व्यापार में लिप्त थे, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। तो ब्रिटिश सरकार की नज़र पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए जो पहला अधिनियम पारित किया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में पहली बार केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, सेंट्रलाइज शासन की नींव रखी गई। याद रखेंगे यानी एक सेंट्रल बॉडी द्वारा पूरे शासन को कंट्रोल करने की जो विधान है या जो व्यवस्था है जिसको केंद्रीयकृत शासन कहते हैं। जब यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, चूंकि हम लोग जो टॉपिक को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी इसी से बनते हैं, तो जब यह प्रश्न आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या भारत में पहली बार केंद्रीय शासन की नींव पर कब पड़ी, तो इसी अधिनियम द्वारा पड़ी। और इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी उनको ध्यान में रखें, इस अधिनियम की जितनी भी मुख्य विशेषताएं थी एक एक करके ध्यान में रखें, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को एक एक करके ध्यान में रखें ताकि आपका सब्जेक्टिव भी लिखा जाए, ऑब्जेक्टिव भी बने। सबसे पहले याद रखें कि कंपनी के डायरेक्टर्स को यह आदेश दिया गया, दिया गया कि ये भारत में राजस्व प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी गतिविधियों, मतलब राजस्व प्रशासन और सैन्य प्रशासन में क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, सभी गतिविधियों से इसे ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएं। आदेश दिया गया कि सभी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएं। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे बच्चा लोग, अवगत कराएं। इसी पॉइंट में आप आंसर भी लिखेंगे लॉन्ग में या टिप्पणी में। तो कंपनी के डायरेक्टर्स को यह आदेश दिया गया इस अधिनियम द्वारा
कि भारत में राजस्व प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी वर्कआउट किए जा रहे हैं, उन सभी से ब्रिटेन की सरकार को अवगत कराए। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि यह पहला अवसर है जब ब्रिटिश कैबिनेट, याद रखें, यह पहला अवसर है जब ब्रिटिश कैबिनेट का बच्चा लोग जब ब्रिटिश कैबिनेट का भारत के शासन में हस्तक्षेप आरंभ होता है। क्योंकि अधिनियम ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया जाता था, ब्रिटेन का कैबिनेट संसद का ही भाग होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली भी कहा जाता है। तो यह पहला अवसर था 1773, यह पहला अधिनियम था 1773, जिसके द्वारा भारत के शासन में ब्रिटेन के कैबिनेट का हस्तक्षेप आरंभ हुआ। इसके बाद दूसरा बिंदु ध्यान में रखें, बड़ा परिवर्तन किया गया क्या कि 500 पाउंड की जगह 1000 पाउंड 500 पाउंड की जगह 1000 पाउंड के अंशधारियों, 1000 पाउंड के अंशधारियों माने शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को आपको ये संचालक को सुनने का अधिकार दिया गया। संचालक को चुनने का अधिकार दिया गया, समझने की चीज है। जो कंपनी का संचालन संचालक मंडल द्वारा किया जाता था, और संचालक मंडल को चुनते थे कौन, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी और इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, तो पहले यह प्रोविजन था कि जो जिनके पास 500 पाउंड का मिनिमम शेयर है, यानी जो अंशधारी है, शेयर होल्डर है, वही संचालक को चुन सकते हैं। और अब और इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया और प्रावधान कर दिया गया रेगुलेटिव एक्ट के तहत कि नहीं भाई, 500 नहीं, अब 1000 पाउंड के जो अंशधारी हैं उन्हीं को संचालक को चुनने का अधिकार हो। इसके बाद एक और ध्यान रखें, तीसरा बिंदु ध्यान में रखें कि संचालक मंडल, कंपनी के जो संचालक मंडल थे, संचालक मंडल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल का जो कार्यकाल है, संचालक मंडल का कार्यकाल जो है बच्चा लोग, यह कार्यकाल बढ़ाकर, संचालक मंडल का कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। ये एक बड़ा परिवर्तन था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके द्वारा देखिए एक बहुत ही प्रमुख परिवर्तन किया गया, क्या कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल, बंगाल में एक विशेष प्रशासक मंडल का गठन किया गया। मतलब ये हुआ कि बंगाल में एक विशेष प्रशासक मंडल का गठन किया गया का मतलब ये हुआ कि बंगाल में नवीन प्रशासनिक ढांचा का निर्माण किया गया। अब से पहले बंगाल के प्रशासन में गवर्नर हुआ करता था, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसको लॉर्ड क्लाइव भी कहते हैं। और अब इस अधिनियम द्वारा बंगाल के प्रशासन में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, और एक विशेष प्रशासक मंडल, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का गठन किया गया। और इसमें क्या था कि गवर्नर जो अब से पहले हुआ था उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था, जो ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं, यह वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर को का पदनाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसके सहयोग के लिए गवर्नर जनरल तथा चार पार्षद,
काउंसिलर चार पार्षद जो थे, ये चार पार्षद प्रशासक मंडल, प्रशासक मंडल के सदस्य थे। एक चीज को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान में रखना है कि प्रशासक मंडल में कौन कौन शामिल थे भाई। तो गवर्नर जनरल जो सबसे पहले गवर्नर कहलाता था, और पहला गवर्नर जनरल का पद मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स को, और प्रशासक मंडल में गवर्नर जनरल के अलावे चार पार्षद होते थे, काउंसिलर होते थे। तो प्रशासक मंडल में गवर्नर जनरल के अलावे चार सदस्य होते थे, और इन इस गवर्नर और प्रशासक मंडल को नागरिक, सिविल नागरिक तथा सैन्य प्रशासन, नागरिक तथा सैन्य प्रशासन का अधिकार, सैन्य प्रशासन का अधिकार दिया गया, सैन्य प्रशासन का अधिकार दिया गया कि आप नागरिक और सैन्य प्रशासन के मामले में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, मैंने इनको यह अधिकार दिया गया। आप देख सकते हैं कि बंगाल के प्रशासन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सबसे पहली बात कि बंगाल में एक विशेष प्रशासक मंडल का गठन किया गया, सर सबसे मुख्य प्रशासनिक नगर था इसका बंगाल, पहली राजधानी भी इसी को बनाई गई थी, इसी को पहले कब्जा भी अपने अधीन गुलाम भी बनाया गया था। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत भी था इस काल में। तो बंगाल में के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया, और गवर्नर जनरल और चार पार्षद को मिलाकर के एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया, और प्रशासक मंडल को नागरिक तथा सैन्य प्रशासन का अधिकार दिया गया। और ध्यान में रखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि अब से पहले क्या था कि अंग्रेज के तीन प्रमुख प्रशासनिक नगर थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो बंगाल का अपना अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग गवर्नर होता था, और बम्बई का अलग गवर्नर होता था, और तीनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार कुछ मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार मद्रास तथा बम्बई, इस काल में बम्बई कहा जाता था या मुंबई भी लिखे, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी के अधिकार का विस्तार बंगाल तथा बम्बई प्रेसिडेंसी के मामलों में, बम्बई प्रेसिडेंसी के मामलों में किया गया है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया, गवर्नर के पदनाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, और गवर्नर जनरल के अलावे प्रशासक मंडल में चार अन्य पार्षद थे, और इस प्रशासक मंडल को नागरिक तथा सैन्य प्रशासन के मामले में अधिकार दिया गया, और कुछ मामले में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी के मामले में भी कर दिया गया। अर्थात अब बंगाल का गवर्नर जनरल बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रशासन में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखेंगे कि 1773 के अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, और ध्यान में रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा इम्फे। एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तीन
अन्य तीन अन्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था, तीन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। बच्चा लोग तो कलकत्ता में काफी पूछे जाते हैं, जो 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिव एक्ट के अधीन ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जो पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिंट है, के अतिरिक्त तीन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। और इनको, इस सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया, प्राथमिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया। और ध्यान रखेंगे कि भारतीय तथा अंग्रेज दोनों अपने मुकदमे को इसमें लेकर के जा सकते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारियों को इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसके बाद एक अन्य घटना देख सकते हैं आप, एक अन्य घटना में देख सकते हैं आप कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी के जो कर्मचारी, काफी भारत का व्यापार तो काफी लाभकारी था और इतना लाभ होता था कि कंपनी के कर्मचारी जब व्यापार में लाभ कमा कर ब्रिटेन में ऐसे आराम के जीवन जीते थे, तो उनको ब्रिटेन में नवाब कहा जाता था। नवाब, जिसको हम लोग अपभ्रंश में नवाब कहते हैं, वो लोग नवाब कहते थे। नवाब, इतना पैसा था भारत के व्यापार से, और ये घूस भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई, तथा घूस अथवा नजराना को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये लोग काफी घूस लेते थे, तो सैलरी बढ़ा दी गई कि भाई ये घूस नहीं लेंगे। तो ध्यान रखें कि कंपनी शासन काल के दौरान ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और यहीं से कंपनी के प्रशासनिक या राजनीतिक गतिविधियों को ब्रिटेन की सरकार द्वारा रेगुलेट करने का प्रयास आरंभ किया गया। और यह पहला अवसर था जब विभिन्न गतिविधियों को रेगुलेट किया गया। इसके द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखें, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को यह आदेश दिया गया कि भारत में राजस्व प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराए। अतः यह पहला अवसर था जब भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश कैबिनेट का हस्तक्षेप आरम्भ हुआ है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखें कि 500 पाउंड की जगह 1000 पाउंड के शेयर होल्डर्स को संचालक, कंपनी के संचालक को चुनने का अधिकार दिया गया। तीसरा पॉइंट रखें, संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। चौथा याद रखें, बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया और गवर्नर का पदनाम गवर्नर जनरल हो गया, जो पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। और गवर्नर जनरल के अलावे 4 पार्षद की नियुक्ति की गई, जो प्रशासक मंडल के अंग थे। और इस प्रशासक मंडल को नागरिक तथा सैन्य प्रशासन में अधिकार दिया गया, और कुछ मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मामला में कर दिया गया।
अगला पॉइंट याद रखे कि 1773 का अधिनियम के अनुकूल 1774 में कलकत्ता में एक उच्च सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और पहला मुख्य न्यायाधीश अलीजा एम थे, के अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों को रखा गया। और इस सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार था, और सुप्रीम कोर्ट के कानून लगभग वही थे जो ब्रिटेन में प्रचलित थे, और इसमें भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों अपने मामले को ले जा सकते थे। और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी के वेतन को बढ़ा दिया गया ताकि ये घूस न लें, और घूस लेने और नजराना की प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। तो मेरा विश्वास है 1773 का अधिनियम के तहत जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जो आपको टिप्पणी में लिखने के मटेरियल चाहिए, वो सभी हमने आपको पढ़ा दिया। और फिर ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी कड़ी में अगले अधिनियम को लेकर आगे उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।